फ्रेंड्स, आई एम सोन भारद्वाज, यू आर वाचिंग बेसिक लर्न एकेडमी। आज मोशन के इस सेकंड एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एक्सीलरेशन, व्हाट इज रिटार्डेशन, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड फाइनली हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझेंगे। तो बिना देर किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो के मजे लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। तो समझो, यूनिफॉर्म स्पीड, A body travels equal distance in equal interval of time is called uniform speed. मतलब जो स्पीड होता है वो यूनिफॉर्म कब होगा, जब वह इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वह इक्वल डिस्टेंस कवर करता है। कभी कभी कोई बॉडी यदि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसी को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है ए, वो 5 किलोमीटर 1 घंटे में चलता है। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड जो होता है वो ऐसा यूनिट होता है। तो एक बॉडी है ए जो 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करता है, नेक्स्ट 1 आवर में वह 5 किलोमीटर ही जाएगा, उसके अगले नेक्स्ट आवर में यदि वह फिर से 5 किलोमीटर ही कवर करता है तो इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे क्या है, 1 आवर, वह इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब 5-5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो इसी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसका डिफिनेशन क्या होगा, सेम अपोजिट। इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब कोई बॉडी ए है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यदि वह अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर किया कवर, अगले नेक्स्ट 1 आवर में यदि उसने 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर या फिर 4 किलोमीटर ही कवर किया, तो वेरी कर गया ना, पहले 5 था अब कुछ और है, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसी को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कोई दिक्कत? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, सभी के ऐसा यूनिट वही होंगे, मीटर पर सेकंड जो आप पढ़ते आ रहे हो। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंसेज हैं और जितने भी टाइम टेकन है उनको निकालो और डिवाइड कर दो, यही होता है एवरेज स्पीड। ये हमारा डिस्कशन पार्ट चल रहा है, इसके बाद हम नोट्स, थ्योरी एंड नोट्स पार्ट बनाएंगे जिसमें आपको सारे के सारे थ्योरी पढ़ाए जाएंगे। ये बस डिस्कशन चल रहा है, थ्योरी के साथ साथ आपको नोट्स भी लिखवाए जाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बनेगा, नेक्स्ट पार्ट मतलब हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं उसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा डिस्कशन पार्ट है, जो कि शॉर्ट डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पे, और सेकंड पार्ट जो है हमारा, उसमें हम थ्योरी एंड नोट्स हमको मिलेगा, और उसके बाद थर्ड पार्ट में हम सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखा, मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो प्रत्येक चैप्टर्स के कैलकुलेशन के अलग, प्रत्येक टॉपिक के अलग अलग वीडियोज बनेंगे, कुछ टॉपिक्स के एक वीडियोज, कुछ टॉपिक्स के दूसरे वीडियो। तो इस प्रकार से हमने एक चैप्टर को 3 भागों में बांटा है। तो ये हमारा भी डिस्कशन पार्ट चल रहा है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ते जाएंगे। तो एवरेज स्पीड क्या हुआ, आप समझ गए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, कुछ था
इसका भी यूनिट तो वही होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा यूनिट, क्योंकि स्पीड है, स्पीड का ये सही यूनिट तो मीटर पर सेकंड ही होता, कोई दिक्कत। किलोमीटर पर आवर में भी आता है, लेकिन यदि ऐसा यूनिट पूछा है तो मीटर पर सेकंड होगा, ये बात अपने दिमाग में रखना, ठीक ना। अब देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? तो एक्सीलरेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझ में नहीं आता, तो अभी समझते हैं एक्सीलरेशन क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का दूसरा डेफिनेशन भी है, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, द चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। दो डेफिनेशन इसके आते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक बोल सकते हो, कोई एक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो यही से हम निकालते हैं, इसके डेफिनेशन से ही फॉर्मूला निकलते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट, रेट मतलब होता है, जब भी यदि कहीं भी आपको रेट लिखा रहे तो रेट मतलब होता है टाइम इज डिवाइडेड। तो इसका मतलब एक्सीलरेशन जो है इसके फॉर्मूले में टाइम क्या है, डिवाइडेड है, टाइम डिनोमिनेटेड में आ गया। अब देखो एक्सीलरेशन क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज किया। फाइनल वेलोसिटी, दो प्रकार के वेलोसिटीज होते हैं यहां पे, एक होते हैं फाइनल वेलोसिटी, एक होते हैं इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम एफ से डिनोट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को हम आई से डिनोट करते हैं। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन था, ये डिनोट किससे करते हैं, वी से डिनोट करते हैं फाइनल वेलोसिटी को, और यू से डिनोट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। वो पोजीशंस मैंने बता दिए, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, हमारा फिगर आ रहा था दिमाग में। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो वी माइनस यू बाई टी हो गया, कोई दिक्कत। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, वेयर वी इज फाइनल वेलोसिटी, यू इज इनिशियल वेलोसिटी। अब देखो शुरुआत का जो वेलोसिटी है, किसी एक वेलोसिटी क्या स्पीड ही है, एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन दिमाग में रखना, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताए थे स्पीड और वेलोसिटी के अंतर। स्पीड जो है, स्पीड और वेलोसिटी में एक ही अंतर है कि वेलोसिटी जो होता है वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होता है, स्पीड ही है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, वही होता है वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, दो वेलोसिटी होते हैं। अब देखो हम कैसे क्या समझेंगे स्पीड क्या है नहीं है, तो वो हम आगे बात करेंगे। यदि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कोई बॉडी है जो कि रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो क्या होगा, उसका रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 मीटर पर सेकेंड। कोई बॉडी है जो कि रेस्ट में आ गया, चल रहा था लेकिन रेस्ट में आ गया, तो फाइनल, वो जो फाइनल उसका जो वेलोसिटी था वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब रेस्ट में आए तब फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, जब रेस्ट से चला तब इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। ये समझ में आया, आ गया। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो वी माइनस यू बाई टी होता है। अब इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट। तो एक्सीलरेशन का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिमाग में रखना कि एक्सीलरेशन का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट पूछे जाते हैं क्योंकि ये जो है ये बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं। तो एक्सीलरेशन जो होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज रिटार्डेशन।
निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। देखो यहां पे मैं आपको कुछ बता रहा हूं, एक बॉडी है, एक बॉडी है ए, वो चला, शुरुआत में उसकी जो वेलोसिटी थी वो थी 2 मीटर पर सेकेंड, वो थी 2 मीटर पर सेकेंड। फाइनल पोजीशन पे जब वो पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की बात करो, इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इसको यहां से यहां जाने में लगा 2 सेकेंड, 2 सेकेंड्स लगे इसे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाने में, कोई दिक्कत? इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी, भी भी है ना, फाइनल, फाइनल वेलोसिटी 4, इनिशियल वेलोसिटी 2 बाय वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया ये समझते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैसे आया? ऊपर वेलोसिटी है ना, नीचे टाइम है ना, ऊपर वेलोसिटी है, नीचे टाइम है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, नीचे टाइम था तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड सेकेंड, इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई 1 बाय सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन का जो ऐसा यूनिट है वो कैसे आया? रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। अब देखो कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड, कोई बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और फाइनली उसका स्पीड गेन हो गया। जब स्पीड बढ़ जाता है ना फाइनल में, जब स्पीड बढ़ता है, हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं हम लोग तो एक्सीलरेटर देते हैं ना, एक्सीलरेटर आजकल बच्चे तो बहुत सारे बच्चे चला रहे हैं, तो एक्सीलरेटर देते हैं। क्यों देते हैं एक्सीलरेटर? स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड बढ़ाने के लिए एक्सीलरेटर देते हैं। तो एक्सीलरेशन कब होता है? जब स्पीड बढ़ता है। व्हेन वी गेन द स्पीड, जब हम स्पीड पाते हैं, जब हम स्पीड बढ़ता है तब जाके एक्सेलरेशन होता है। वहीं पे यदि स्पीड घट जाए तो रिटार्डेशन हो जाए। स्पीड घट जाए रिटार्डेशन होगा, स्पीड बढ़ जाए एक्सेलरेशन होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखो एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में निगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। यहां पर भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है पहले ये क्लियर करो। यदि किसी क्वेश्चन में दिया रहे कि अ बॉडी हैज रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अ बॉडी हैज रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन है ए से डिनोट करेंगे तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन था ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन, बस नेगेटिव दे दो, एक्सेलरेशन लिखियो ना यहां पे, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो है रिटार्डेशन। आगे इनिशियल वेलोसिटी दे दिया गया, टाइम दे दिया गया, फाइनल वेलोसिटी पूछेगा, निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, टाइम पूछ रहा है, निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। वो सब हम कैलकुलेशन पार्ट में क्लियर करेंगे। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी समझ गए, तो इन्हीं दोनों का जो सम होता है ना, एवरेज मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी वही हो, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है देखो, एवरेज वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी
का जो मीन होता है उसी को हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसका भी वही मीटर पर सेकेंड, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात, स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड हो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, स्केलर क्वांटिटी होंगे। एवरेज स्पीड स्केलर क्वांटिटी होंगे, एक्सीलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों वेक्टर होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट से आया वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी से आया एक्सीलरेशन, तो ये भी वेक्टर होगा क्योंकि इन्हें स्पेसिफाइड डायरेक्शन था। ये भी वेक्टर, एवरेज वेलोसिटी, ये तो वेक्टर होगा ही, वेलोसिटी है वेक्टर। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन, अ बॉडी सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पथ। कोई बॉडी यदि सर्कुलर पथ पे मूव कर रहा है तो उसी को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। एक बॉडी है ए, वो सर्कुलर मोशन में तब आएगा जब वह सर्कुलर पथ पे मूव करेगा। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन सर्कुलर पथ। इज इट क्लियर? तो ये हो गया हमारा सर्कुलर मोशन। उसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, दिस बॉडी इज इन रेक्टिलिनियर मोशन। या फिर दूसरे तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेक्टिलिनियर मोशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत? ये हो गया रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आ गया? रेक्टिलिनियर मोशन में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। रेक्टिलिनियर मोशन में हमेशा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, यह बात दिमाग में रखना। स्ट्रेट पथ पे जब भी कोई बॉडी चलेगा तो उसके उस केस में हमेशा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। एक और बहुत जरूरी बात, यदि बॉडी सर्कुलर मोशन में चले और उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यदि सेम हो तो डिस्टेंस तो होता है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। बॉडी यदि इस पोजीशन से चला और फिर यहीं आ गया तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस ही कहां बचा, तो जीरो हो गया ना। जीरो मीटर पर सेकेंड, जीरो मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। ओके, यदि ये यहां से चला और यहां आया, ये ए नाम का बंदा ए डैश पोजिशन से चला और बी पोजीशन पे पहुंच गया तो इसका डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस तो ये होगा लेकिन जो डिस्टेंस ये होगा मतलब पायर होगा डिस्टेंस इसका, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों पॉइंटों को जोड़ दो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। डिस्टेंस होगा पायर, डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनना। यदि बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम आता है। यदि सर्कुलर मोशन में बॉडी चले और जिस इनिशियल पोजीशन यदि फाइनल पोजीशन दोनों यदि एक हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन यदि एक हो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया? कैलकुलेशन पार्ट करेंगे और समझ में आएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स, ऐसा फोर्स जो कि सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर लगता है।
ऐसा फोर्स जो सर्कुलर मोशन में सेंटर की ओर लगता है उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। ये बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसका फोर्स यदि सेंटर की ओर लगे तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। लेकिन यदि इस पे लगने वाला फोर्स सेंटर के बाहर की ओर लगे तो इसे ही हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। टुवर्ड्स द सेंटर, इफ फोर्स एग्जर्ट ऑन अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इफ द फोर्स एग्जर्ट ऑन अ बॉडी अवे फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आ गया? ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए? जो भी दिक्कत है जल्दी से कमेंट करो, टेंशन नहीं लेना, मैं रिप्लाई दूंगा। और उसके बाद, इतने होने के बाद, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड जो हमारा आएगा, उस एपिसोड में हम समझेंगे कि न्यूटन्स ने जो मोशन के लॉ दिए थे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, उसके बारे में जानेंगे। तो जल्दी से कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको मदद मिल सके। थैंक यू। जय हिंद।